हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट दो तीन वीडियो से क्लियरली बताया कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, करेक्ट. लेकिन अगर आप देखो लास्ट एक दो दिन से फॉलो थ्रू बाइंग मिसिंग है, ठीक है. 11,400 के ऊपर निफ्टी जा नहीं रहा है और बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर नहीं जा रहा है. सिचुएशन ये है कि अगर ये एक दो दिन में नहीं गया तो यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो गिरने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाएंगे. सो हम देखेंगे कि आने वाले सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो एनालिसिस करते हैं. अब ये बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन जरूर तोड़ा है, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है. लेकिन अगर यहाँ से एक दो दिन में ऊपर नहीं जाता है, 22,500 क्रॉस नहीं करता है, तो वापस गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. और 22,000 इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर वो टूटता है, एक राउंड ऑफ नंबर है, वो टूटता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है. सो व्यू थोड़ा सा अभी कॉशियस है और साइडवेज है. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि साइडवेज मार्केट आज हमें देखने को मिल सकता है, रेंज बाउंड मार्केट में देखने को मिल सकता है. आज अगर आप देखो तो थोड़ा साइडवेज ही था, दो तीन बजे तक साइडवेज ही था. बाद में थोड़ा 100-150 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, आपने देखा होगा. सो जैसे मैंने आपको बताया वैसा का वैसा मार्केट था, साइडवेज मार्केट था, मैंने आपको बोला भी था. और निफ्टी भी अगर आप देखो 11,400 क्रॉस नहीं कर पा रहा है. अगर 11,400 क्रॉस नहीं करता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है. सो ये आप लेवल्स नोट डाउन कर लो. 11,400 अगर क्रॉस नहीं करता है तो शार्प फॉल देखने को मिल सकता है. 22,500 अगर क्रॉस नहीं करता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है. ये एक दो दिन में क्रॉस होना चाहिए. अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है मार्केट में और हमें फॉल देखने को मिल सकता है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में वोल्टा सेल दिया था, एलएनटी सेल दिया था. ये दोनों ही सेल ट्रिगर नहीं हुए हैं. एंड बर्जर पेंट मैंने दिया था एक ट्रेड. बर्जर पेंट आज बहुत फास्ट ट्रेड था. अगर आज आप देखो, अगर आप 5 मिनट पे चार्ट पे देखो, बहुत फास्ट ट्रेड था. ये खुला यहाँ पर 554-555 के आसपास, और जैसे ही खुला वैसे ही आप देखो 945 तक इसमें 6-7 रुपये मिल भी गया था प्रॉफिट. तो बहुत फास्ट ट्रेड था. हो सकता है आपने कैच नहीं किया हो या बहुत कम लोगों ने कैच किया होगा, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रेड था. डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है. तो सबसे पहला स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल. भारतीय एयरटेल अगर आप देखो क्लीन एंड क्लियर रेंज ब्रेकडाउन दिया है. कई दिनों से ये 540 का लेवल नहीं तोड़ रहा था, आपने ऑब्जर्व किया होगा. और आज ये 540 के नीचे क्लोज दिया है इसने. सो टेक्निकली सेटअप काफी खराब है और मुझे लगता है यहाँ से 500 तक के लेवल्स इजिली देखने को मिल सकते हैं. सो यहाँ से 30-40 रुपये का फॉल हमें देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में. तो काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. एंड नेक्स्ट स्टॉक होगा HDFC लाइफ. HDFC लाइफ भी सेटअप मुझे बहुत खराब लग रहा है. अगर आप देखो ये फॉल आया था, ठीक है, और ये इसने होल्ड किया यहाँ पे और वापस एक फॉल हमें देखने को मिला है. तो HDFC लाइफ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसने 600 का राउंड ऑफ नंबर भी तोड़ा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ शॉर्ट्स भी है इसमें. इसमें इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट की तरफ ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है. सो ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा. कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. एंड लास्ट स्टॉक होगा डाबर. डाबर भी सेटअप बहुत नेगेटिव है. अगर आप देखो यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है और ये एक प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है, और ये प्रीवियस सपोर्ट भी आज इसने तोड़ दिया है और क्लोजिंग उसके नीचे ही दिया है. 500 साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग दिया है, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है, डबल टॉप से गिरा है. तो बहुत सारे रीजंस है. काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट है इंट्राडे के लिए और पोजिशनल दोनों के लिए. कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपने कौन सा ट्रेड लिया. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.